आप नाजरीन गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं। आप मैं हूँ आपके साथ प्रिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सिदरा जम्मू से एक बड़ी खबर जो है इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि आईडी की खबर एक मिली, जिसके बाद ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया। लेकिन पुलिस की तरफ से जानकारी अभी सामने आई है कि आईडी की खबर बेबुनियाद है। तो ऑपरेशन के बाद कोई भी आईडी नहीं मिला, पुलिस की तरफ से जानकारी मिली। पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। जम्मू सिदरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की तरफ से जानकारी भी मिली कि उन्हें खबर जो है आईडी की मिलती है, उसके बाद वो सर्च ऑपरेशन करते हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन के बाद कोई भी आईडी वहां से बरामद नहीं हुआ है। तो खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि उस इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। सिदरा में मुश्तबा धमाका से आईडी की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में बड़ी तलाशी ऑपरेशन जो है वहां पर शुरू किया। और ये ऑपरेशन जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG कमांडो और जम्मू कश्मीर की बम डिस्पोजल टीम भी इलाके में पहुंची और वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इलाके के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को भी मजबूत सख्त कर दिया गया है। जहां पर पुलिस की तरफ से बताया गया कि वहां पर कोई भी आईडी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इलाका है उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी को मजबूत सख्त कर दिया गया है। और ये बताया गया कि पूरे इलाके में बारीकी से जो जांच है वो इस वक्त हो रही है। और मकामी लोगों से भी अपील की गई है कि वो अमन बरकरार रखें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इतला जो है पुलिस को दे। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारी नुमाइंदा शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, बताएगा क्या कुछ जानकारी है, क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेज से इनपुट मिलता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के पास जो है वो एक विस्फोटक आतंकवादी के द्वारा रखा हो सकता है, जिसको लेकर तकरीबन 6 बजे जो है वो अभियान शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर देखने को मिला, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान साथ साथ SOG की टीम और सिक्योरिटी फोर्सेज के वहां पर जो है वो जवान पहुंचते हैं और तुरंत अभियान को शुरू किया गया, जहां पर बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद थी। पूरी तरीके से इलाके को जो है वो छाना गया, खंगाला गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी विस्फोटक जो है वो फिलहाल नहीं मिला। आपको बता दें कि 5-6 जनता जो है वो अभियान देखने को मिला, क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर की अगर बात करें तो आसपास के जो इलाके हैं, यानी कि जो आसपास का इलाका है वो पूरी तरीके से घना इलाका है, जंगल का इलाका है, और साथ ही साथ नेशनल हाईवे भी जो है वो लगता है। तो पूरी तरीके से अभियान किया गया, सर्चेशन किया गया, बम स्क्वाड की टीम जो है वो इलाके को खंगालती हुई नजर आई। किसी भी प्रकार का कोई भी विस्फोटक की बात करें तो विस्फोटक नहीं मिला, क्योंकि ये सूचना मिली थी कि आतंकवादी के द्वारा वहां पर विस्फोटक रखा गया, तो किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना हो उसको लेकर तुरंत वहां पर अभियान जो है वो शुरू किया गया। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो तिरुपति बालाजी मंदिर के पास का कुछ समय पहले ही, यानी कि कुछ माह पहले ही जो है इसी प्रकार से इनपुट मिला था कि विस्फोटक वहां पर रखा गया है। तो वहां पर जो है वो अभियान किया गया था, लेकिन तब भी उस समय भी किसी प्रकार का कोई भी विस्फोटक नहीं मिला था। देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर के पास का तिरुपति बालाजी मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर कई श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज रविवार है तो कई श्रद्धालु अलग अलग इलाके से वहां पर आते हैं। तो जब ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था उस समय जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे उन श्रद्धालु को भी वहां पर रोका गया था। उसके बाद फिलहाल की बात करें तो फिलहाल अलाउ कर दिया गया है, लेकिन जो इलाका है वहां पर जवानों के द्वारा जो है अभी भी चेकिंग वहां पर की जा रही है। इलाके को जो है अभी भी खंगाल हुए नजर आ रही है। जो गाड़ियां वहां पर गुजर रही है नेशनल हाईवे का वो तो पूरी तरीके से इलाका है, वहां पर पूरी तरीके से जो है वो छानबीन की जा रही है। जो गाड़ियां वहां से गुजर रही है इलाके से उसी क्या बता रही है अभी वहां पर जो चेकिंग है वो की जा रही है, तो क्या अभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन वहां पर है लोगों के लिए?
देखिए फिलहाल अगर वाहनों की बात करें या फिर जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं या फिर जो लोकल लोग वहाँ पर है, किसी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब अभियान वहाँ पर शुरू किया गया था तो उस समय जो श्रद्धालु तिरुपति बालाजी मंदिर के पास पहुँच रहे थे उन्हें वहाँ पर जो रोक दिया गया था कुछ समय से ही, लेकिन अभी वहाँ पर जो है वो अलाउ कर दिया गया है। अधिकतर तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास पूरी तरीके से घना जंगल है, उसे पूरे तरीके से खंगाला गया क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना हो, जानमाल का नुकसान ना हो, उसको लेकर जो है वो तुरंत अभियान जो है वो शुरू किया गया और करीबन 5 से 6 घंटा ये अभियान जो है वो देखने को मिला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा हमारी नुमाइंदा आपको अपडेट कर रही थी कि इस वक्त भी वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर साबिक वजीर खजाना हसीब बराबू की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है और उनकी तरफ से असेंबली में पास की गई करार दादे अवाम की तर्जुमानी, उनकी तरफ से कहा गया पास शुदा करारदाद का सिर्फ सियासी असर हो सकता है और पीडीपी कैद जरूर बहस में ना पड़े, उनकी तरफ से ये कहा गया है। साबिक वजीर खजाना हसीब बराबू का ये बयान जो है वो सामने आया है जहाँ पर उन्होंने कहा कि पीडीपी गैर जरूरी बहस में ना पड़े और उनकी तरफ से भी कहा गया कि मंत्री सियासत से पीडीपी को नुकसान होगा। इस वक्त की खबर आपको बता रही हूँ, साबिक वजीर खजाना हसीब बराबू की तरफ से जो ये बयान है वो सामने आया है जहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया कि पीडीपी गैर जरूरी बहस में ना पड़े और इस पर भी जानकारी मिली कि आपके उनकी तरफ से क्या कुछ और कहा गया है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के बीजेपी पीडीपी अखाड़ की हुकूमत ने 2015 से 2018 तक इसकी बात करी है, हसीब बराबू मालिक के वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और सबका तौर पर जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के रुकन भी रह चुके हैं जहाँ उन्होंने पुलवामा जिले के सातपुरा हल्के की नुमाइंदगी की। इस वक्त उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर पीडीपी को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि पीडीपी को गैर जरूरी बहस में नहीं पड़ना चाहिए। साबिक वजीर खजाना हसीब बराबू की तरफ से ये बयान जो है वो देखने को मिला और इसके बाद हम जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे अतिथि अधिकारी इशफाक कौर ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक बताएगा कि जो बयान सामने आया है क्या कुछ मजीद कहा गया है उनकी तरफ। देखिए अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे, काफ़ी दिनों बाद वो कश्मीर में थे और कश्मीर में उन्होंने बैक टू बैक कई चैनल से गुफ्तगू की है, बात की है मीडिया आउटलेट्स के साथ और उसमें उन्होंने प्री और पोस्ट 5 अगस्त 2019 की बात की है और 370 और 35A का जो स्ट्रक्चर था उससे क्या फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को था, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर क्या नुकसान हुआ है, वो तमाम चीज़ें जो है वो रखी है। लेकिन पॉलिटिकली जब आप देखेंगे तो उनका ये मानना है कि एक मैसिव मैनिगेट दो पार्टियों को है, एक पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो सरकार के अंदर है उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी उसके बाद अगर जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की है जिनके पास वोट शेयर भी जाता है और सेकंड नंबर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की और जो बाकी पार्टियां हैं जिनके पास 1-2 MLAs हैं उन्हें खुद देखना चाहिए कि जो लोग कल तक सरकार के अंदर थे और सीधे से उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि कल तक जो सरकार के अंदर हुआ करते थे 20-22 MLAs उनके हुआ करते थे वो 2-3 MLAs पर क्यों आ गए हैं, तो ये जरा उनको देखना चाहिए कि आखिर कहां कहां पर गलतियां हुई और जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्यों उनको रिजेक्ट किया है और जिस तरीके से आज वो ऐवान के अंदर यानी असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर गैलरी प्ले करते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, उससे उनको मजीद नुकसान होगा, इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उन्हें चाहिए कि सरकार को एक मौका दिया जाए ताकि वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने में कुछ कदम आगे बढ़ा सके। एक तो ये था इसमें। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल के जवाब में उनका मानना यह भी है कि जम्मू कश्मीर की जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि अगर हमें 1 रुपया खर्च करना है उसके ऊपर 3 रुपये लगते हैं कि हम 1 रुपये को खर्च कैसे करें, यही वजह कि हमारी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जब बजट के ऊपर वो आए और क्योंकि वो फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक के और बहुत बड़े फाइनेंशियल है इंस्टीट्यूशन को उन्होंने हेड किया स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका मानना था कि जो गवर्नमेंट अपने ऊपर एक्सपेंडिचर करती है यानी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट
जो भी है जो अपने ऊपर ये एक्सपेंडिचर करेंगे उस एक्सपेंडिचर को कर्टेल करने की जरूरत है। जितना वो कर्टेल होगा उतना यहाँ के फाइनेंशियल बजट मैनेजमेंट जो है वो सही हो सकती है। और एक रुपये के मुकाबले में तीन रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक के मुकाबले में डेढ़ रुपया अगर खर्च होता है तो कहीं ना कहीं जो ढाई रुपया हमारे पास बचेगा वो आप बेरोजगारी पर लगा सकते हैं, नए यूनिट पर लगा सकते हैं। और इस तरीके से सिस्टम इन्वॉल्व होगा कि जम्मू कश्मीर जो भी फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी में इसको कैसे बाहर निकाला जा सके। फाइनली बात आई रेजोल्यूशन की, उन करारदाद की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रखे गए, चाहे वो कैबिनेट की तरफ से रखे गए या जो असेंबली के अंदर रखे गए, इस पर जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वो ये बता रहा था, देखिए 370 और 35 ए इसमें कोर्ट वर्डिक्ट है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट है, इसकी लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने रिफ्लेक्ट किया कैबिनेट के अंदर विद वॉन्ट टू फुल स्टेटहुड, और फिर उसके बाद फिर जो असेंबली में उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस उसको रेस्टोर किया जाए विदाउट नेमिंग कि 4 अगस्त 5 अगस्त 3 अगस्त 15 अगस्त, वो नाम न लेते हुए जिस तरीके से उन्होंने किया वो दरअसल उन्होंने एस्पिरेशन ऑफ द जम्मू कश्मीर के जो लोगों की एस्पिरेशन है दिल है उसको सामने रखने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से पीडीपी ने उसको हाईजैक करने की कोशिश की, दरअसल ये एक माइनर ये जो पॉलिटिक्स है नेगेटिव पॉलिटिक्स है जिसका बहुत बड़ा नुकसान पीडीपी को उठाना पड़ेगा। लेकिन उमर ने जो एक मूव किया है एक महीने के दौरान ये बैक टू बैक एक पॉलिटिकल मूव है, और इसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अगर कोई बड़ी तब्दीली आप नहीं देखेंगे लेकिन जरूर एक विंडो खुलेगी जिसमें बातचीत के दरवाजे होंगे, जिसमें नेगोशिएशन का प्रोसेस होगा, बाद में ये पॉलिटिकल ईयर लड़ना होगा क्योंकि इसमें नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट और दीगर चीजें इन्वॉल्व है। इसमें हमने सब चीजों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के हितों को कैसे आगे सेफ गार्ड किया जाए उस पर बात करनी होगी। और कुल मिलाकर जब आप इस पूरी वार्ता को देखते हैं जो डॉक्टर सिंह द्राबू की तरफ से कही गई है, तो कहीं ना कहीं उनका मानना था कि एक महीने की सरकार अगर कि वो पॉलिटिकली उनके खिलाफ है, अगर कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव भी लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुतमईन नजर आए कि सरकार ऑन द ट्रैक है इस वक्त और थोड़ा सा वक्त और चाहिए उसके बाद ही जैसे तरीके से हसीब जराबू की बात करें तो अभी किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है और उसके बाद ऐसा बयान सामने किस तरीके से देखते हैं। देखिए बिल्कुल बयान उस वक्त सामने आया है जब पीडीपी जबरदस्त विरोध कर रही है, जब और लीडर्स विरोध कर रहे हैं कि आपने 5 अगस्त को डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, उन सब का नाम लिए बगैर आज जब डॉक्टर सिंह बाबू ने कहा कि देखिए इन सब लीडरों को पता है कि सिचुएशन है क्या और जो लाइन अडॉप्ट की गई है उमर की तरफ से वो सही है, और जिस तरीके से सिचुएशन को एराइज करने की कोशिश की जा रही है ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है और इससे हमें दूर होना पड़ेगा, ये ना स्टेट के हित में है ना ही सेंट्रल के हित में। तो उससे ये साफ लग रहा है कि एक लाइन जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से खींची गई है वो कहीं ना कहीं सही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक जमाने में महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद शरीफ से काफी क्लोज डॉक्टर हसीब द्राबू को माना जाता था, एक जमाने में उन्हें माना जाता था कि दिल्ली और पीडीपी को नजदीक करने में यानी बीजेपी और पीडीपी को नजदीक करने में डॉक्टर हसीब द्राबू का एक मेजर रोल है। और आज जिस तरीके से डॉक्टर हसीब द्राबू ने अपना स्टेटमेंट दिया कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, वो कोई दोबारा नौकरी नहीं करेंगे, और ये सारी पोजिशन क्लियर करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी कुछ अखबारों के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने इन बातों का इजहार किया है। लेकिन अब मीडिया पर आकर जब ये बात कर रहे हैं तो इसका सीधे से मतलब है कि लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया है, हालात बदल चुके हैं और उन बदलते हालात के बीच पॉलिटिक्स को भी चेंज होना पड़ेगा। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से सादिक वजीर खजाना हसीब द्राबू की तरफ से जो बयान है वो सामने आया। तो चलो अब आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर यूपी के संबल में मस्जिद के सर्वे पर जो तनाजा है वो देखने को मिला। मस्जिद के सर्वे के दौरान हजूम देखने को मिला और वहीं पर पथराव और फायरिंग भी देखने को मिली। एक खबर जो है बड़ी खबर ऊपर इससे आपको बता रहे हैं जहाँ पर संबल में जो मस्जिद के सर्वे पर तनाजा है वो देखने को मिला। जहाँ पर बताया जा रहा है कि मस्जिद के सर्वे के दौरान हजूम वहां पर जमा हुआ और इस सर्वे के दौरान पथराव और फायरिंग भी हुई, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्सेस को तैनात जो है वो किया गया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से जो ये हंगामा है वो देखने को मिला। यूपी के संबल में जो मस्जिद का सर्वे वहां पर होना था उसके बाद भी ये तस्वीरें सामने आई जहाँ पर पथराव देखने को मिला।
और जिसके बाद पुलिस के फोर्सेज को तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश के संबल में एक सदी तसादम हुआ जब मस्जिद के सर्वे जो है वहां पर देखने को मिला और उसके बाद वहां पर लोग जमा हुए और ये पूरी तस्वीरें उसके बाद सामने आई। ये सर्वे अदालत की तस्वीर पर शुरू किया गया था जिसमें स्टार्ट की गई थी कि मुगलों ने एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शाही जामा मस्जिद के करीब जमा हुई। जब सर्वे की टीम पहुंची और उन्होंने इकदाम के खिलाफ एहतजाज किया तो हाल इस वक्त शदीद इख्तियार से भी जब हजूम ने सर्वे टीम पर पथराव किया जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल उन्हें करना पड़ा। जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो सिचुएशन थी वो बनी हुई है। पथराव भी देखने को मिला, तोड़फोड़ भी काफी ज्यादा वहां पर थी। मस्जिद की सर्वे करने के लिए वहां पर टीम पहुंची जिसके बाद ये पूरा हजूम पूरा हंगामा देखने को जो है वो मिला। तस्वीरें भी आपके सामने उत्तर प्रदेश के संबल में ये सारी तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर मस्जिद के सर्वे के खिलाफ जो एहतजाज है वो किया गया। यहाँ पर अदालत के हुक्म पर ये सर्वे किया गया। इस पर इस टाइप की गई थी कि मुगलों ने एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई और वहीं पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुंची। शाही जामा मस्जिद के करीब जमा हुई। जब सर्वे की टीम वहाँ पर पहुंची तो उन्होंने इस्लाम के खिलाफ एहतजाज किया और जो सिचुएशन है सूरत हाल है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बिगड़ी और पुलिस की तरफ से आंसू गैस का भी इस्तेमाल वहाँ पर उन्हें करना पड़ा ताकि जो हजूम है जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल में रखा जाए। तस्वीरें भी आपके सामने कि किस तरीके से वहाँ पर तनाजा बना हुआ है, वहाँ पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई और पुलिस भी वहाँ पर पहुँची और भीड़ को तो मुजाहिरीन थे वहाँ पर उन्हें कंट्रोल करने की उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई। भारी पुलिस फोर्सेज को वहाँ पर तैनात जो है वो किया गया। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो सिचुएशन है वो बनी हुई, कितना ज़्यादा वहाँ पर हंगामा हुआ, जो भीड़ थी उसे किस तरीके से कंट्रोल किया गया, तोड़फोड़ की गई, गाड़ियाँ जलाई गई, पथराव वहाँ पर देखने को मिला। तो चलिए इसी पर हमारे नुमाइंदे विजेंद्र सिंह आपको अपडेट दे रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है। संबंध में आज सर्वे के दौरान भारी बवाल हुआ है और जो शाही मस्जिद है उसमें हरिहर मंदिर होने का हिंदू पक्ष ने दावा किया था और उसे आज फिर सर्वे किया था और सर्वे के दौरान भारी बवाल हुआ है। बवाल हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि आमदनी हुई है, गाड़ियों को घूम दिया गया है, इसमें गाड़ियाँ कोई घोड़े घोड़े हैं और अन्य जो अधिकारी थे उनकी गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल थी, वो पूरी तरह से आग लगा दी है और पुलिस एवं जो टीम थी सर्वे की उन पर भारी पथराव किया गया था। पथराव के दौरान जो है काफी चोटें भी पुलिस कर्मियों को आई हैं और उस दौरान ये जो है सूचना मिलने के बाद जो डीआईजी महोदय थे वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, पूरी तरह से पुलिस को यहाँ पर मुस्तैद किया गया है और गली गली में पूरी तरह से यहाँ कह नहीं सकते कि खतरा जो है बरकरार है क्योंकि जो उपद्रवी है वो पूरी तरह से पुलिस व जो टीम थी उन पर पथराव किया है। भारी माहौल जो है वो पूरी तरह से गर्म है। मैं कैमरा मैन से कहूंगा सामने दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो जल रही हैं और गाड़ियों में आग उपद्रवियों ने लगाई है और जो भारी बवाल यहाँ पर किया है। हालांकि कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश पर ही सर्वे किया जा रहा था। इधर दिखाएं कैमरा मैन किस तरह से भारी पथराव किया गया है उपद्रवियों के द्वारा। भारी जो माहौल है वो पूरी तरह से बवाल के रूप में तब्दील कर दिया उपद्रवियों ने और पुलिस पर भी जो है पथराव किया, जहाँ पत्रकारों पर भी पथराव हुआ है और जो पत्रकार पुलिस की आड़ में किसी तरह से पुलिस की सुरक्षा में ना कवरेज कर पा रहे हैं। भारी बवाल यहाँ पर हुआ है। अब हालांकि अब तक जो थी बात सुरक्षा की थी, समझाया जा रहा था लाउड स्पीकर से चाहे जो यहाँ के एसपी हो डीएम हो, लेकिन अब कार्रवाई होगी और एक्शन भी होगा। अब देखना यह है कि किस तरह से पुलिस जो है इस माहौल को नियंत्रित कर पाती है। हाँ, यहाँ पुलिस जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस से गोली छोड़ दी है और जो है पूरी तरह से भीड़ को अभी नियंत्रित कर लिया गया है। जो उपद्रवी है कई उपद्रवियों को पुलिस ने पकड़ा भी है और कई के चोटें भी आई है। मैं अपने सहयोगी कैमरा मैन के साथ गई थी जो कि 24/7 न्यूज जनपद संबंध।
तो चलो जिस तरीके से कल देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी है वो हुई, जिसके चलते गुरेज बांदीपुरा रोड ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया और वहीं पर श्रीनगर लहसारा पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल हो गई है। और मुगल सारा की बात करेंगे, जहां पर शुरुआत में बताया गया था कि मुगल सारा भी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन फिलहाल जो है वो बहाल कर दी गई है। गुरेज बांदीपुरा रोड ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए फिलहाल बंद है और वहीं पर श्रीनगर लहसारा पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल कर दी गई है। मुगल सारा पर भी गाड़ियों को चलने की इजाजत जो है वो दी गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी सारा पर ट्रैफिक दोनों तरफ से जारी है और वहीं पर आज देखने को मिला, कल जो सब की बात करेंगे तो बर्फबारी हुई, जिसके चलते जब भी बर्फबारी होती है तो नेशनल हाईवे है, रोड है, उस पर असर देखने को मिलता है। और आज जिससे महात्मा मोतीलाल की तरफ से कहा गया कि आज से मौसम जो है खुश रहने का इम्कान है और फिलहाल गुरेज बांदीपुरा रोड वहां पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और श्रीनगर लहसारा की बात करेंगे तो इस वक्त तो वो बहाल है। मुगल सारा भी शुरुआत में बंद कर दिया था, वहां पर भी बर्फबारी हुई थी लेकिन वहां पर बर्फ हटाने का काम किया गया और अभी जो अपडेट सामने आ रहा है कि मुगल सारा पर गाड़ियों को चलने की इजाजत जो है वो दी गई है। और वहीं पर श्रीनगर जम्मू कौमी सारा पर ट्रैफिक दोनों तरफ से इस वक्त जारी है। देर सब देखने को मिला कि बर्फबारी हुई, जितने ऊपरी इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई और बारिशें भी हुई मैदानी इलाकों में, जिसके चलते जो ट्रैफिक है उसे बंद करना पड़ा। लेकिन सुबह ही देखने को मिला कि जो ट्रैफिक है उसे बहाल किया है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आई है कि गुरेज बांदीपुरा रोड अभी भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है, वहां पर भी काम जारी है। श्रीनगर लहसारा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल है और मुगल सहरा भी का वहां पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताया था कि जहां पर सुबह देखने को मिला था कि मुगल रोड सहरा को बंद कर दिया था और फिलहाल गाड़ी को चलने की इजाजत दी गई है, कितना स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है अभी इस वक्त? जी आतिया, मैं आपको बताता चलूं कि खराब मौसम की वजह से आज सुबह ही जो है ट्रैफिक को मुगल रोड पे जो है बंद करना पड़ा कुछ देर तक। उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट खुद से जो है इस पूरी रोड का मायना के साथ पे पुलिस भी, और देखा जाए जो है सुबह सुबह जो खराब मौसम की वजह से जो है फिसलन काफी था, उसके बाद जो है नमक छिड़ने का काम जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किया गया और कुछ ही समय पहले जो है एक बार फिर से शाहरा को बहाल कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शाहरा पर टनल की मंजूरी जो है पिछले कई सालों से जो है बताया जाता था कि हाँ टनल का काम शुरू होगा, काम आज भी जमीनी सतह पर टनल का काम शुरू नहीं हुआ। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे आज भी लोग परेशान हैं क्योंकि राजौरी पुंछ दो डिस्ट्रिक्ट जो है ये कश्मीर के साथ ज्यादा कनेक्ट है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ और भी जितने भी सब्जी फरोश या और भी हो श्रीनगर से जो है यहाँ पे आता है और यहाँ से श्रीनगर जाता है, इसमें भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई सारी ऐसी मुश्किल आज भी लोगों को आती है क्योंकि जब इस वक्त भी आज सुबह की बात करें सुबह सुबह भी कई सारे टेलीफोन आए कि शाहरा खुली है बंद है, लेकिन सुबह सुबह शाहरा को बंद करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि फिसलन बहुत था जिसकी वजह से शाहरा को बंद कर दिया गया था। इस वक्त जो है स्मूथली ट्रैफिक जो है मुगल रोड पर बहाल कर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी देने के लिए। आकाश मलिक आपको अपडेट कर रहे थे कि मुगल सारा पर इस वक्त जो गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है और वहीं पर जो ट्रैफिक है वो स्मूथली चल रहा है, जहां पर सुबह खराब मौसम के चलते उस रोड को सारा को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल जो गाड़ियों को चलने की इजाजत जो है वो दी गई है। दौरान सब सयाहती मकाम गुलमर्ग के अखरोट में बर्फबारी का ताजा सिलसिला शुरू हुआ। सबसे बाला इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला जारी रहा। इधर गुलमर्ग में मकामी और गैर मकामी सयाह बड़ी तादाद में मौजूद है, जिन्होंने ताजा बर्फबारी देखकर खुशी का इजहार किया। सयाहों का कहना था कि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो गई है और ज्यादातर कश्मीर बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। मेरा नाम पार्थ पटेल है, मैं राजकोट गुजरात से आया हूँ। बहुत मजा आ रहा है, स्नोफॉल भी अच्छा हो रहा है। अपना अपना लक इनफ किया, स्नोफॉल हो रहा है और वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। बहुत मजा आ रहा है, इट्स टू मच ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत मजा आ रहा है। प्लीज कम फास्ट एंड बुक योर गोंडोला राइड एंड विजिट गुलमर्ग। वेटिंग फॉर द स्नोफॉल, दिस टाइम आई गॉट इट एंड
This is the first time I am coming here with the snowfall. Yeah. No, I came here more than 50 times. Yeah. But this is the first time I am watching the snowfall here. Yeah. And the full area covered with the snow, fresh snow. Yeah. But it's, so it is very happy to visit here. And I'm from Kerala. All the people are loving this area because it is telling about that it is heaven on earth. Heaven on earth. Yeah. So this is a place we need to visit every aspect of the. तो चलो इस उर्दू खबरनामे में इतना ही. अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बनेंगे गुलिस्तान के साथ.